पूर्वी पाकिस्तान का अलग होना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। साल 1970 तक आते आते पाक के दोनों धड़ों में इतना विवाद हो चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्रीयता की भावना बेहद कमजोर हो चुकी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान का क्रूरता पूर्वक और हिंसक विच्छेदन हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान के मुकाबले पूर्वी पाकिस्तान की आबादी अधिक थी, यानी दोनों की कुल आबादी की 55% जनसंख्या पूर्वी पाकिस्तान में थी, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी कराची को बनाया गया, ढाका को नहीं। और पाक के दो टुकड़े की कहानी का पहला अध्याय यहीं से शुरू हो गया। 1947 में पाकिस्तान के भारत से अलग होते ही पूर्वी पाक ने ढाका की राजधानी बनाए जाने को लेकर आंदोलन छेड़ दिया। दरअसल ढाका को राजधानी नहीं बनाए जाने के कारण वहां के लोग कई सुविधाओं से वंचित हो गए थे, लिहाजा लोगों का यह असंतोष आंदोलन में बदल गया। वहीं ढाका की जगह कराची को राजधानी बनाए जाने का कारण सरकार में तमाम बड़े मंत्री, अधिकारी और उद्योगपति के रहने की जगह कराची का होना था। 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हो गई। तनाव 70 का दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तानी शासक याहिया खान की ओर से लोकप्रिय अवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियां बही, लाखों बंगाली मारे गए और 1971 के खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या से जूझने में उस समय काफी परेशानियों का सामना कर रहा था और भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस समस्या में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी सेना का साथ देते हुए गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध किया, जिसके बाद पाक ने हार मानकर 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। आखिरकार बांग्लादेश आजाद हुआ। इस तरह पाकिस्तान की ढाका की जगह कराची को राजधानी बनाने का फैसला ही बाद में एक आजाद बांग्लादेश के बीच हो गया। टीम इंडलिंग्स।